बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और एक्सरसाइज नंबर 7.1 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको आपको स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व, और कर्व है आपके पास जिसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी है, दैट इज़ 2xy इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलें जी, अब जैसे कि एसिम्प्टोट्स हम जानते हैं कि तीन तरह के एसिम्प्टोट्स होते हैं, और सबसे पहले हम जिस एसिम्प्टोट के ऊपर काम करेंगे वो एसिम्प्टोट जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है। और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि एसिम्प्टोट इज़ बेसिकली अ लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। और इसके बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैं सारी डिटेल बता चुकी हूँ, लेकिन हर लेक्चर के शुरू में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एसिम्प्टोट इज़ बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। अब वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, और कोई भी इंक्लाइंड हो सकती है। तो इस सिलसिले में बिकॉज थ्री टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी में डिस्कस करेंगे वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हैं इस कर्व के। कोई भी इस कर्व को स्केचिंग से रिलेटेड हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमने सिर्फ इसके एसिम्प्टोट देखने हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले वर्किंग रूल में देखते हैं कि एसिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, और इसके लिए जो वर्किंग है हमारे पास वो ये है कि आपने क्या करना है, इस कर्व की इक्वेशन के ऊपर सारा काम करना है। इस कर्व की इक्वेशन में आपने हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को ओवर करना है, वो टर्म जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को इन्वॉल्व करती है उसके कॉफिशेंट को इक्वल्स टू जीरो रखना है। ठीक है जी, अब अगर मैं इस कर्व में की इक्वेशन में जाऊँ और देखूँ कि कितनी टर्म्स आपके पास यहाँ इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आपको यहाँ पे तीन टर्म्स इस इक्वेशन में नज़र आ रही हैं। और पहली टर्म आपके पास है लेफ्ट साइड पे 2xy, राइट साइड पे एक टर्म है एक्स स्क्वायर, और तीसरी टर्म है आपके पास 3। अच्छा, इनमें ये दो टर्म्स हैं जो कि एक्स को इन्वॉल्व करती हैं, और जो और इन दोनों में से भी जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को इन्वॉल्व करती है वो आपके पास ये टर्म है। ठीक है जी, इसका कॉफिशेंट आपको देखना है। इसका कॉफिशेंट इस वक्त राइट नाउ इस क्वेश्चन में इसका कॉफिशेंट है 1। आपका इसमें जो भी कॉफिशेंट होगा उसको उठाना है और इक्वल्स टू 0 रखना है। जो वर्किंग रूल है वो हमें ये बता रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 रखने वहाँ से जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन आपके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। राइट नाउ हम ये देख सकते हैं कि इसका जो कॉफिशेंट है वो एक कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट इज 1, 1 इज इक्वल टू 0, ये कोई भी वैलिड इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नॉट वैलिड, यहां मैं लिख दूंगी नॉट वैलिड इक्वेशन, इक्वेशन ये कोई वैलिड इक्वेशन नहीं आई है। अगर कोई वैलिड इक्वेशन आती, जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सोल्यूशन में देखा, तो हमारे पास कोई ना कोई इसका आंसर जो है वो इक्वेशन फॉर्म में आता, और फिर उस इक्वेशन को देख के हम जज करते कि ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन है और कहाँ लाया करता है ये एसिम्प्टोट। तो फिलहाल इसका मतलब ये है कि नॉट वैलिड इक्वेशन आई है, तो हम यहाँ पर रिमार्क्स ये देंगे नो एसिम्प्टोट। ठीक है, नो एसिम्प्टोट एग्जिस्ट एज द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रिमार्क्स ही होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम वर्टिकल एसिम्प्टोट की तरफ। नेक्स्ट एसिम्प्टोट है हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट। इसके वर्किंग क्या है, इसमें वर्किंग आपको करनी है पुट द कॉफिशियंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी टर्म है जो कि वाई को इन्वॉल्व कर रही है, वो सिर्फ एक ही टर्म लेफ्ट साइड पे हमें नज़र आ रही है जो कि वाई को इन्वॉल्व करती है। और इसमें हम जाके देखते हैं इस टर्म में y का कॉफिशेंट क्या है। अगर आप y को यहाँ से इस तरह से ब्रैकेट में बंद करें तो आपको नज़र आएगा कि y का कॉफिशेंट जो है वो 2x है। आपने 2x को उठाना है और इक्वल्स टू 0 पुट करना है। यहाँ से जो भी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी वो इक्वेशन वर्टिकल एसिम्प्टोट की होगी, और ये इक्वेशन आपको यहाँ से मिलती है लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0। और x इज इक्वल्स टू 0 हम सब जानते हैं कि ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है, और y एक्सिस यहाँ पे वर्टिकल इटसेल्फ y एक्सिस जो है वो वर्टिकल एसिम्प्टोट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। सो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमें कोई नहीं मिला, लेकिन हमें y एक्सिस के फॉर्म में वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की तरफ। तो ये हमारे पास है इंक्लाइंड एसिम्प्टोट के लिए जो इक्वेशन होगी, उसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए कोई फॉर्मूला हमने बनाया हुआ था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वाई या एक्स एक नहीं है। यहाँ पे आपके पास सिंपल जो कि एसिम्प्टोट जैसे मैंने आपको कहा एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का इस्तेमाल करना है आपने, और ये जो कर्व जिसके हम एसिम्प्टोट फाइंड कर रहे हैं इसका हमने इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपने क्या किया, इसको कर्व की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 अगर फॉर एग्जाम्पल आप कह दें, तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी है। और वो वर्किंग क्या है, वर्किंग ये है कि जहाँ इस इक्वेशन में आपको y नज़र आ रहा है उसकी जगह आपने m पुट करना है, क्योंकि हमारा इस बेसिकली इंक्लाइंड एसिम्प्टोट ये लीनियर इक्वेशन से आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन से आएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको स्लोप इस इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की स्लोप पता चल जाए, और c जो कि आपका
वाई इंटरसेप्ट है, अगर आपको ये पता चल जाए तो फिर आप इसमें ये एम और सी की वैल्यू पुट करके आप इस इक्वेशन को यहाँ से इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की इक्वेशन को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने इसके लिए करना क्या है, जो वर्किंग रूल है वो ये है कि वाई इस इक्वेशन नंबर वन के अंदर, जहाँ वाई है वहाँ वन और जहाँ एक्स है वहाँ आपने, सॉरी वाई की जगह एम और एक्स की जगह आपने वन पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में जाएं और ये सब कुछ आप पुटिंग करते हैं। पुटिंग करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने टर्म्स को मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। इसकी तीन टर्म्स हैं ओरिजिनल इक्वेशन की, आपने तीन टर्म्स को इनको अपनी अपनी जगह ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे जब हम पुट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक्स की जगह वन पुट करने के बाद यहाँ बनता है टू एम। अच्छा, ये मैं पहले, इससे भी पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं जो कि मैं हमेशा हर क्वेश्चन में बताती हूँ, हर टर्म की डिग्री यहाँ पे मैं आपको पहले हम चेक कर लें। लेफ्ट साइड पे जो टर्म पड़ी है इसकी डिग्री है टू, ठीक है, इसकी डिग्री भी है टू और इस टर्म की डिग्री है वन। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कर्व की इक्वेशन में हाइस्ट डिग्री जो है, हाइस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, तो वो टू डिग्री है, यानी कि सेकेंड डिग्री हाइस्ट डिग्री है इस इक्वेशन की। सो अब अगर आप इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये आपके पास बनता है लेफ्ट साइड पे 2m, राइट साइड पे बनेगा जी 1 और फिर आपके पास 3 एज इट इज़ रहेगा। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये सेम डिग्री की हैं, ये याद रखिएगा, ये दोनों टर्म्स सेम डिग्री की हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म को यहाँ पे लिखना है। डिग्री टर्म जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाएगी फाई से, बिकॉज हर टर्म एक्स और वाई को इन्वॉल्व कर रही है, दैट्स वाई दिस टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई, और साथ में एक्स और वाई के ऊपर डिपेंडेंस होने की वजह से ब्रैकेट में मैंने एक्स वाई लिख दिया, और यहाँ पर आएगी हर टर्म की डिग्री, ठीक है जी। तो हाईएस्ट डिग्री जो है वो इस वक्त आपके पास 2 है और x की जगह हमने पुट किया हुआ है 1 और y की जगह हमने पुट किया हुआ है m। तो phi जो है इस वक्त हर टर्म आपको m के ऊपर डिपेंडेंट नज़र आएगी, x की जगह 1 और y की जगह m। फिर उससे लोअर डिग्री टर्म यानी कि 1 डिग्री की टर्म आपको यहाँ पे कोई नहीं नज़र आएगी, ठीक है, क्योंकि वो मिसिंग है, यहाँ पे सिर्फ सेकेंड डिग्री टर्म है और सॉरी इसकी डिग्री जो है वो 0 है, ये मैंने गलती से 1 लिख दिया, इसकी डिग्री 0 है क्योंकि इसमें x और y इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, x की पावर भी 0 है y की पावर भी 0 है इसके साथ। तो फर्स्ट डिग्री टर्म यहाँ पे कोई नहीं है, मिसिंग है, जो मिसिंग होती है उसको हम 0 मानते हैं, और 0 डिग्री टर्म, ठीक है, ये सारी डिग्रीज जो हैं वो आपने ये टर्म्स यहाँ पे मेंशन करनी है। फर्स्ट डिग्री टर्म यहाँ पे है ही नहीं मौजूद, इसलिए हम उसको 0 कंसिडर करेंगे, 0 डिग्री टर्म यहाँ पे मौजूद है उसको हम 3 कंसिडर करेंगे, और सेकेंड डिग्री टर्म यहाँ पे दो टर्म्स इन्वॉल्व होके सेकेंड डिग्री टर्म बनाती हैं, तो 2m इसको अगर हम इकट्ठा कर लें, ठीक है, अगले स्टेप में 1 को इधर ले आए, ठीक है, तो ये 2m माइनस 1 जो है ये पूरी की पूरी आपके पास सेकेंड डिग्री टर्म बनती है। आप 1 माइनस 2m कर लें या 2m माइनस 1 कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को ना एक तरफ अगर आप सेटल डाउन करें, जैसे मैं अगर एक्स स्क्वायर को, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर को इस तरफ ही रखती हूँ और माइनस 2xy को लेफ्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँ और प्लस 3 रहने दूँ इक्वल्स टू 0, तो इसके मुताबिक आप इसे देखें, पहली दो टर्म्स जो हैं वो आपके पास सेकेंड डिग्री की हैं, यहाँ 1 बनेगा और यहाँ 2m बनेगा, तो 1 माइनस 2m इसके मुताबिक आता है। मैं फिर इसे मिटा लेती हूँ और इसको मिटा के मैं यहाँ पे 1 माइनस 2m कर देती हूँ, ठीक है जी, यहाँ हम लिख लेते हैं 1 माइनस 2m, इसके मुताबिक फिर हमारी जो 0 डिग्री टर्म है वो प्लस 3 बनती है, अदरवाइज 0 डिग्री टर्म हमारी माइनस 3 बन जानी थी, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, ये हमारे पास टर्म्स आ गई हैं। अब हम चलते हैं m, हमारा असल टारगेट जो है वो m फाइंड करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, और c फाइंड करना है फॉर m। अगर आपने m फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल्स टू 0 रखना है, यानी कि आपने phi 2 को इक्वल्स टू 0 रखना है। यहाँ से अगर आप इसको 0 पुट करते हैं तो आपके पास आता है 1 माइनस 2m इज इक्वल्स टू 0 और m की वैल्यू आपके पास निकलती है जी 1/2। तो स्लोप आपके पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की आ गई है जो कि 1/2 है जी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था। सी की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करते हैं, सी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम अ फ्रैक्शन, और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में द हाईएस्ट डिग्री टर्म का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उससे लोअर डिग्री टर्म न्यूमरेटर में लिखते हैं,
ठीक है जी। तो लोअर डिग्री टर्म फर्स्ट डिग्री बनती है, न्यूमरेटर में आएगा जीरो, डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो आपका इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो माइनस टू बनता है और एक माइनस यहाँ पे, न्यूमरेटर में जीरो होने की वजह से सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो सी आपका जीरो दे रहा है और एम आपका वन बाई टू दे रहा है। इन तमाम वैल्यूज को उठाएं और यहाँ पे जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर टू में पुट करती हूँ तो y इज इक्वल्स टू वन बाई टू एक्स, वन बाई टू एक्स बनता है जो कि हमारे पास इंक्लाइंड सिम्प्टोट की इक्वेशन आती है। तो इंक्लाइंड सिम्प्टोट की जो इक्वेशन है, एक हमारे पास इसका मतलब इंक्लाइंड सिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है और दूसरा हमारे पास वर्टिकल सिम्प्टोट की एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, जबकि हॉरिजेंटल सिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस ये क्वेश्चन इतना ही, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है जी ख़त्म। आप अगर सारे एसिम्प्टोट्स को इकट्ठा लिखना चाहते हैं आप बेशक इकट्ठा लिखते हैं या ये वर्किंग अलग अलग कर लें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर आ गया और क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं कि हमारे पास कर्व किस तरह का दिया हुआ है। ये जी क्वेश्चन नंबर फोर है, इसमें जो कर्व की इक्वेशन है ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, मतलब इसको पहले आपको इवेलुएट करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो क्वेश्चन में है वो काम ये होता है कि आपने हर डिग्री वाइज आपको टर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट डिग्री ऑफ द टर्म करने के लिए थोड़ा सा इन्हें इसको होल स्क्वायर को खोलना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसको एक डिग्री, एक ही तरह की जो डिग्रीज हैं उनको, उन टर्म्स को आपने इकट्ठा करना है। सिर्फ थोड़ी सी वर्किंग है इसके अंदर, वो हम पहले कर लेते हैं जी। तो वर्किंग क्या है, मैं इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके सामने है, मैं इसको रीराइट करती हूँ और इसमें जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं वो करती हूँ। जैसे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको आप खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स वाई, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड पे, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस राइट हैंड साइड को भी इधर ले आए, ए स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है जी। उसके बाद अब आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को अगर मैं देखूँ तो इसकी डिग्री फोर है, सेकेंड की डिग्री भी फोर है, थर्ड टर्म की डिग्री भी फोर है, ठीक है। ये तीन टर्म्स जो हैं वो डिग्री फोर की हो गई हैं। इनको मैं अगर इकट्ठा ब्रैकेट में लिख लूँ इस तरह से तो आपको कम से कम एटलीस्ट ये पता चल जाएगा ये सेम डिग्री की हैं। अच्छा जी, उसके बाद इस टर्म की डिग्री टू है, इस टर्म की डिग्री भी टू है और इस टर्म की डिग्री भी टू है। तो यहाँ आपको फोर डिग्री टर्म्स नज़र आ रही हैं और सेकेंड डिग्री टर्म्स नज़र आ रही हैं, यहाँ थर्ड डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म एंड जीरो डिग्री टर्म कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है जी। ये तो हमने इसको खोल लिया। अब चलते हैं अपने वर्किंग रूल की तरफ हॉरिजेंटल असिम्प्टोट के। की जी आपके पास वर्किंग रूल है हॉरिजेंटल असिम्प्टोट का, इसमें कहा जाता है कि आपने हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखनी है और फिर उसके कोफिशेंट को उठा के इक्वल्स टू जीरो रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, अगर आप हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखना चाहते हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आपको ये फर्स्ट ब्रैकेट में नज़र आ रही है, ये जितनी भी टर्म्स हैं, सॉरी इस अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट में देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर फोर है, यहाँ पे एक्स की पावर टू है। ये मैंने ब्रैकेट जो लगाई थी ना वो सेम डिग्री टर्म्स के लिए लगाई थी, ठीक है। यहाँ पे जितनी टर्म्स हैं उनकी डिग्री फोर है और यहाँ जितनी टर्म्स हैं उनकी डिग्री टू है, लेकिन अगर सिर्फ एक्स, वो वाली टर्म्स जिसमें एक्स की पावर को देखना है कि एक्स की हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो वो ये देखें ये आपको सिर्फ इस टर्म में नज़र आ रही है, ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स नहीं है, यहाँ टू पावर है, यहाँ थ्री पावर है, यहाँ टू है, यहाँ वन है। तो सिर्फ आपको ये फर्स्ट टर्म नज़र आ रही है जिसके अंदर एक्स की हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही है, और अगर इसके कोफिशिएंट देखें तो इसका कोफिशिएंट वन है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इसके कोफिशिएंट को इक्वल टू जीरो रखें, यानी कि वन को उठा के इक्वल टू जीरो रखें। तो जब आप वन को इक्वल टू जीरो रखते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको नज़र आता है
कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड इक्वेशन, तो ये कोई इक्वेशन ही आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन नहीं बनती है, तो हम कहेंगे कि नो असिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में नो असिम्प्टोट एग्जिस्ट। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट असिम्प्टोट की तरफ जो कि वर्टिकल असिम्प्टोट है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल असिम्प्टोट, और वर्टिकल असिम्प्टोट में जैसे कि आप जानते हैं पुट द कोएफिशिएंट ऑफ द हाइस्ट पावर ऑफ y इक्वल्स टू जीरो। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर y की कौन सी हाइस्ट पावर इस्तेमाल हुई है। ठीक है जी, अब अगर आप इस टर्म को देखें तो इसमें y की हाइस्ट पावर जो है वो y की 2 है, इसमें y की पावर 1 है, इसमें भी y की पावर 2 है और इसमें y की पावर 1 है। इसका मतलब है हम जिन एक टर्म्स को यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो एक टर्म है ये सेकंड, और इधर से भी ये सेकंड टर्म है जिसमें y की हाइएस्ट पावर 2 इस पूरी इक्वेशन में है, और उनके कोफिशंट्स को हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे। तो जी एक टर्म मैंने लिख ली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरी टर्म मैंने लिखी माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इन दोनों टर्म्स को सिर्फ मैंने निकाला, और इसमें से वाई स्क्वायर को ज़रा मैंने कॉमन निकाल लिया, और उसका कोफिशेंट देखा क्या बनता है। इसका कोफिशेंट बनता है जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता है, और फिर उस कोफिशेंट को उठाया और इक्वल्स टू जीरो रखा। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ से बनता है प्लस माइनस ए। ठीक है, यहाँ से दो इक्वेशंस निकलती हैं, एक निकलती है एक्स इज इक्वल्स टू ए, और एक निकलती है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हैं, और ये स्ट्रेट लाइन दोनों वर्टिकल हैं। अगर मैं इन्हें स्केच करके आपको दिखाऊं तो ये स्केच इस तरह से होंगी। ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, जस्ट ये एक्स एक्सिस है, और ये है जो हमारे पास वाई एक्सिस, और एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस ए है, चूँकि अगर इस ए को मैं पॉजिटिव नंबर ही कंसिडर करूँ तो x इज इक्वल्स टू प्लस ए, और ये आपका जी ओरिजिन है, और x एक्सिस पे आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है और a डिस्टेंस कवर करना है यहाँ तक, और x इज इक्वल्स टू माइनस ए यानी कि नेगेटिव x एक्सिस पे चलना है और उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास बनती है ये बनती है जी, सॉरी जी, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे वर्टिकल, और दूसरी स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे। ठीक है जी, तो इसको मैं कलर कर दूँ। ये जो है आपके पास यहाँ दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए, और ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए। तो ये दो असिम्प्टोट्स आपके बनते हैं, जो भी कर्व होगा डेफिनेटली ये उसके दो वर्टिकल असिम्प्टोट्स हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन है आपके कर्व की, जिसको मैंने पहले से ही डिग्री वाइज यूँ ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। ये सारी जो पहली ब्रैकेट है ये 4 डिग्री टर्म्स को इन्वॉल्व कर रही है, और जो सेकंड ब्रैकेट है ये सेकंड डिग्री टर्म को इन्वॉल्व कर रही है। तो मैंने इसे पहले ही डिग्री वाइज यहाँ पे किया हुआ है, ये देखें सॉरी, यहाँ पे जो ये है ये डिग्री इसकी 4 है, और जो सेकंड ब्रैकेट है वो डिग्री 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें वर्किंग रूल क्या होता है? इसमें वर्किंग रूल होता है कि आपने पुट करना होता है ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन में। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है? जैसे कि हमने पहले देखा कि जो आपका यहाँ मैंने वर्टिकल असिम्प्टोट की ये हेडिंग लिखी हुई है, सॉरी फॉर दैट, ओब्लीक की लिखी होनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे हेडिंग चेंज की है, सॉरी वो ओब्लीक की लिखी होनी चाहिए थी, मैंने यहाँ लिख दिया है कि अब हम ओब्लीक या इंक्लाइंड असिम्प्टोट फाइंड करने चलें। तो ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, जो आपको पता होगी किसी भी लाइन की इक्वेशन है, इसके थ्रू हम इस ओब्लीक असिम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। एम हमारा अननोन है और सी भी हमारा अननोन है। अच्छा जी, अब इसमें तरीकेकार वही है, जहाँ वाई है आपने वहाँ वाई की जगह एम पुट करना है, और जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट करना है, और ये सारी पुटिंग आपने कहाँ करनी है? इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि आपने अपने ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन में ये सारे काम करने हैं। अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो आपको 4 नज़र आ रही है, ये होगी जी हमारी 4 डिग्री टर्म एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई की जगह आपको पता है एक्स की जगह 1 और वाई की जगह एम पुट करना है, तो 4 डिग्री टर्म ऑन एम, 3rd डिग्री टर्म ऑन एम, 2nd डिग्री टर्म ऑन एम। आपको बेशक ये सारी डिग्रीज यहाँ पे नज़र, डिग्री टर्म्स यहाँ पे नज़र ना भी आए तो आपने फिर भी बनानी है, और फर्स्ट डिग्री टर्म ऑन एम एंड 0 डिग्री टर्म ऑन एम। अच्छा जी, 4 डिग्री टर्म इसमें 1 पुट करते हैं, 1
प्लस एम स्क्वायर माइनस टू एम, ठीक है, ठीक है। फोर डिग्री टर्म आपकी कंस्ट्रक्ट हुई है, वन प्लस एम स्क्वायर माइनस टू एम, और थर्ड डिग्री टर्म चूँकि यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए उसकी जगह हम जीरो लिखेंगे। सेकेंड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म है जी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम, तो सेकेंड डिग्री टर्म बनी है जी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम, ठीक है। फर्स्ट डिग्री टर्म यहाँ पे ज़ीरो है और ज़ीरो डिग्री टर्म भी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है इसलिए हमने उसकी जगह ज़ीरो पुट कर दिया। तो ये सारी डिग्रीज आपके पास डिफरेंट टर्म्स विद डिफरेंट डिग्रीज आई हैं। इसके बाद हमारा क्या काम होता है, हमने एम फाइंड करना होता है, हमारा पहला टारगेट होता है और हम हाईएस्ट डिग्री टर्म को उठाते हैं इक्वल्स टू ज़ीरो रखते हैं। तो दैट इज़ वन प्लस एम स्क्वायर माइनस टू एम इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है m में, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है जी। इसको आप फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करें तो ये बनता है m माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, m की वैल्यू आएगी जी यहाँ माइनस वन, अब चूँकि रिपीट हो रहा है तो सॉरी प्लस वन, तो टू टाइम्स प्लस वन, यानी कि इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो m की वैल्यू आई है आपके पास प्लस वन प्लस वन, मीन्स यहाँ रेपिटेशन आ गया, आपकी सेम वैल्यू m की रिपीट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम फाइंड करते हैं c की वैल्यू। c के लिए हमने क्या करना होता है, ये सब आपको पता है कि फॉर्मूला फिक्स है, माइनस का साइन होगा, हाईएस्ट डिग्री टर्म 4 है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और न्यूमरेटर में उससे लोएस्ट डिग्री टर्म 5 3 m। अच्छा 5 3 m जो है वो वैसे ही ज़ीरो है, और डिनोमिनेटर में ज़रा देखें क्या बनता है, डिनोमिनेटर में आपके पास बनता है फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमको करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव में रफली यहाँ पे अगर आपको कर दूँ तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0, m स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 m, और माइनस माइनस टू एम माइनस टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 m - 2। अच्छा इससे पहले जितने भी हमने ये हमारा गालिबन जो है वो चौथा क्वेश्चन है, इससे पहले जो तीन क्वेश्चन हमने किए नॉर्मली उनमें c जो था वो ज़ीरो ही आया था, ज़्यादातर ज़ीरो आया था, इस वजह से हमने इस तरह की वर्किंग नहीं अभी तक की है, मतलब डिनोमिनेटर में ज़्यादातर 1 ही बना था, ठीक है, कांस्टेंट बना था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ ये वेरिएबल m इन्वॉल्व हो रहा है। इस तरह पहले तीन क्वेश्चन में सिंपल डिनोमिनेटर में आपके पास कांस्टेंट बन जाता था और m ख़त्म हो जाता था फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद जी। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में फर्स्ट टाइम नॉन कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे एक पॉलीनोमियल आया है। अब इसमें आपने करना क्या होता है, क्योंकि इससे पहले ये सीन ही नहीं था, मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर हमेशा कांस्टेंट बन जाया करता था और इसलिए हमें कभी ये मैंने कभी आपको बताया नहीं, ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन इसमें आपने करना ये होता है कि इस पे बेसिकली आप जो सी फाइंड कर रहे हैं वो इस स्पेसिफिक एम के लिए फाइंड कर रहे हैं। अब एम की यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आई हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं तो हर एम के लिए आप सी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये अलग बात है कि यहाँ पे जो एम आया है वो आई तो उसकी डबल वैल्यू है लेकिन वो रिपीटेड है, सेम रिपीटेड वैल्यू आई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल m की वैल्यूज आती हैं m इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू 2, तो m इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप अलग से c फाइंड करते हैं और m इज इक्वल्स टू 2 के लिए आप अलग से c फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करना है, m की जो भी वैल्यू इस वक्त है वो आपने इस स्टेज पे इसमें c में m को 1 पुट करना होता है। तो इससे पहले चूंकि पहले तीन क्वेश्चंस में ऐसा कोई सीन नहीं बना कि आपके पास डिनोमिनेटर में m आए और हमें पुट करना पड़े, तो यहाँ पे मैं करूँगी c एट m इज इक्वल्स टू 1। तो ज़रा देखिएगा कि सीन क्या बनता है, डिनोमिनेटर में जब आप m की जगह 1 पुट करते हैं तो आपके पास बनता है 2 - 2 और आपके पास फाइनल बनती है जी 0/0 फॉर्म। मैं एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे ये नोटिस करवाना चाह रही थी, आपके पास बनती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम इसको हम ज़ीरो नहीं मानेंगे, वैसे नॉर्मली इससे पहले तीन क्वेश्चन में हमारे पास सी की वैल्यू ज़ीरो आई है, यहाँ पर सी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है
और इस फॉर्मूले से यानी कि हमारे पास सी इवेलुएट नहीं हो पाया. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी टाइप का. इसमें अब सी को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला चेंज करेंगे. ये नहीं कि आपने ये काम करना ही नहीं है, डेफिनेटली आप यहाँ पे ये काम सारा काम सी का जो रूटीन का पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ फॉर्मूला वो आप करेंगे, और फिर उसके बाद जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी तो फिर आप यहाँ पे इस चीज़ को कहेंगे कि हम इस तरीके से सी नहीं फाइंड कर पाए हैं, दैट्स वाई अब हम अपना फॉर्मूला या वे चेंज करते हैं. तो ये है वो इक्वेशन. अगर आपके और नॉर्मली आप हमेशा ये देखेंगे, जैसे मैं अगर आपको पिछले पेज पर लेके जाऊँ तो आप हमेशा ये देखेंगे कि अगर आपके पास m की कोई वैल्यू, m की जब आप वैल्यू निकालते हैं और m की वैल्यूज रिपीट होती हैं, जैसे इस केस में m की वैल्यू रिपीट हुई है, ठीक है, तो m का आंसर है प्लस वन और वो रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो जब भी रिपीटेशन होगी ना उस केस में आप हमेशा ये नोट करेंगे, अभी तो खैर इस कैटेगरी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट करेंगे कि इस फॉर्मूले से आपका सी नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे m की दो वैल्यूज़ हैं, इन दो मतलब रिपीट हो रही हैं सेम वैल्यूज़, तो इसके लिए c भी इसके करस्पॉन्डिंगली जितने m's होंगे हर m की एक वैल्यू के लिए एक c का आंसर आएगा. दैट्स वाई अगर यहाँ पे m की दो वैल्यूज़ हैं और वो बेशक सेम हैं रिपीट हो रही हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपके दो c's बनेंगे. ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हमेशा नॉर्मली उस केस में फेल होगा जहाँ पे आपके m की वैल्यूज़ रेपिटेशन के साथ आती हैं, सेम वैल्यू रेपिटेशन के साथ आती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल m के दो आंसर्स आते हैं 0 0, तो भी आप ये देखेंगे कि आपका ये जो है वो आपका ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमेशा फेल हो जाया करेगा. जब भी सेम वैल्यू रिपीट होगी आपका इस ये फॉर्मूला फेल हो जाया करेगा. अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं, और जब ये फॉर्मूला फेल होगा तो फिर आपने इस फॉर्मूले से करना है. ये जाहिर है एम की सेम वैल्यू रिपीट हो रही है रेपिटेशन के लिए आपके पास उसके करस्पॉन्डिंगली जो दो वैल्यूज़ आनी चाहिए सी की भी दो वैल्यूज़ आनी चाहिए. तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ. यहाँ पे जो भी सी आपने फाइंड करना है ये वही सी है, उसका स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2, क्योंकि एम की वैल्यूज़ रेपिटेशन के साथ है ना, दो वैल्यूज़ उन दो वैल्यूज़ के लिए हमने दो सीज फाइंड करना है. तो सी स्क्वायर और जो सी की पावर है यानी कि 2 है, तो डिनोमिनेटर में उसी 2 का फैक्टोरियल, और साथ में वो टर्म जो इस वक्त आपकी कर्व की इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका सेकंड ही डेरिवेटिव, c की पावर 2 फैक्टोरियल और हाईएस्ट डिग्री टर्म का सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद c की पावर 1 अगली टर्म में और जो पावर है उतना ही फैक्टोरियल, और उससे जस्ट पहले था हाईएस्ट डिग्री और फिर उससे लोअर डिग्री टर्म और उसका एक डेरिवेटिव आपने काम कर देना. यहाँ पर रिजेम्बलेंस है, जो सी की पावर है वही फैक्टोरियल है, वही उतना ही आपने डेरिवेटिव लेना है. इसके बाद सी की पावर 0, यानी कि आपने जहाँ से भी शुरू करना है, ठीक है, आपने हाईएस्ट शुरू किया सी की पावर 2 से, फिर सी की पावर 1 और लास्ट में आपने सी की पावर 0 पे आ जाना है. ठीक है, सी की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल और इससे लीस्ट डिग्री यानी कि थर्ड के बाद सेकंड डिग्री टर्म आती है और इसका जीरो डेरिवेटिव यानी कि नो डेरिवेटिव, तो ये आप और इक्वल्स टू जीरो. ये आपने याद रखना है कि हाईएस्ट पावर सी से शुरू होके, सी की हाईएस्ट पावर 2 से शुरू होके लीस्ट पावर 0 तक आपने इस इक्वेशन को करना, और इसमें आपको सिर्फ 3 टर्म्स ही नजर आएंगी. ठीक है, 2 डिग्री सी की 2 पावर 1 पावर एन 0 पावर, बस ये 3 डिग्री सी 3 टर्म्स ही होती हैं इस इक्वेशन में, और इसके अंदर अब ये सारी सब्स्टिट्यूशंस आपने करनी है. और पीछे चलते हैं और इसके देखते हैं, ये देखें 5 4 जो है वो आपके पास यहाँ पे जो आया हुआ है इसको हम कॉपी करके लेके जाते हैं. ये मैंने पिछले पेज से नोट कर लिया यहाँ पे कि आपके पास हाईएस्ट डिग्री 5 4 का आंसर, 5 3 का आंसर और 5 2 का आंसर. अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, हमें 5 4 जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका सेकेंड डेरीवेटिव चाहिए. तो फर्स्ट डेरीवेटिव ज़रा बनाते हैं. इसका फर्स्ट डेरीवेटिव है जी 2m-2, और जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा 2. ठीक है जी, उसके बाद 5 3m, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये खुद ही 0 है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0, और 5 2m आपने एज इट इज़ लिख देना है. तो ये आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 इसको कहते हैं, और इसमें जाके आपने ये सारी सब्स्टिट्यूशन करनी है. तो जी, तो आपने c पुट किया सी स्क्वायर बाय 2, 5 4 का सेकेंड डेरीवेटिव जो है वो आपके पास बनता है 2, उसके बाद प्लस c ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये है थर्ड डिग्री टर्म 0,
प्लस सी की पावर 0 1 बन जाता है और 0 फैक्टोरियल भी यहाँ पे आपके पास 1 होता है, तो इसकी जगह मैं ओवरऑल 1 लिख लूँगी और सेकेंड डिग्री टर्म जो है वो आपके पास ये पड़ी हुई है, सेकेंड डिग्री टर्म ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम, ये आपके पास सेकेंड डिग्री टर्म है और इस तरह से ब्रैकेट में करना है, दिस इज़ इक्वल टू जीरो। अब आपने इसको इवेलुएट करना है, इवेलुएट इस तरह से करना है, ये जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे m की जो वैल्यू आई हुई है वो m की वो वैल्यू आपने उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, फॉर m इज़ इक्वल टू 1 हम यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं। ये देखें 2 2 से कैंसिल हो जाता है, यहाँ सी स्क्वायर बचता है और ये टर्म वैसे ही ख़त्म हो जाती है और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जहाँ m है वहाँ आप 1 पुट कर दें, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब आप ये देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाता है और सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ से सी का आंसर आता है जी प्लस माइनस ए। तो यहाँ से आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि सी के दो आंसर्स आए हैं, यानी कि 4 एम इज़ इक्वल्स टू रिपीटेड वैल्यू ऑफ 1, एम की दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी, इनके सेम वैल्यू रिपीट हो रही थी, उसके करस्पॉन्डिंगली आपके पास सी के दो आंसर्स आए हैं, ठीक है। तो इसको हम पेयर ऐसे बनाएंगे, एम आपका 1 है तो सी एक दफ़ा आपके पास प्लस ए है और एम आपका जब 1 है तो सी आपके पास माइनस ए है। अब जो स्टैंडर्ड इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की इक्वेशन है वो है जी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और यहाँ पे भी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम, ये जो एम और सी का पेयर है, एक दफ़ा ये पुट करेंगे और एक दफ़ा इस m और c का पेयर पुट करेंगे, तो y इज़ इक्वल्स टू m की जगह 1 c की जगह a और y इज़ इक्वल्स टू m की जगह 1 c की जगह माइनस a। ये जो दो इक्वेशंस आपके पास आई हैं ये आपके पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है, दिस इज़ नंबर 5 कह लें, दिस इज़ नंबर 6। तो आपके पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स कितने आते हैं, इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास 2 इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स आते हैं। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ 2 इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स। तो इस केस में हमने देखा इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स थे और वर्टिकल एसिम्प्टोट हमने हासिल किए, उसकी भी इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि थे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते।